साथियों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर मैं आप लोगों के लिए समान विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, और ये टॉपिक पिछले वीडियो में चल रहा था उसी को आज हम आगे ले जाएं और देखेंगे समान विज्ञान का जो जीव विज्ञान का चैप्टर चल रहा था पाचन अंगों के बारे में, और उसमें पढ़ रहे थे हम लोग पाचन ग्रंथि को, और हमने चर्चा किया था पाचन ग्रंथि दो प्रकार के बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक लीवर और दूसरा पैनक्रियाज। तो उसी पैनक्रियाज और लीवर में से पहला पढ़ने जा रहे हम लोग लीवर या यकृत को, और यकृत का स्ट्रक्चर से संबंधित बात मैं बता चुका हूं, और हमने कहा था कि लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहा जाता है। सबको याद होगा, याद रहना चाहिए आप लोगों को, जो भी वीडियो में बनाया जाता है वो सब आपको ध्यान रखना चाहिए, और क्वेश्चन बनाए ध्यान रखें कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमने जो टेस्ट लिया था उसके आधार पर ध्यान रखना है कि बहुत सारे मार्किंग हमने देखे, और देखा होगा आपने कि बहुत सारा आंसर आपने किया। बहुत अच्छा लगा हमको देख करके कि जो वीडियो बताया गया उससे आप काफी कुछ सीख रहे हैं। फिर भी जो मेरा उम्मीद था उसमें थोड़ी सी निराशा लगी कि मुझे लग रहा था कि 15 में 15 सही होगा, लेकिन कुछ लापरवाही से, कुछ केयरलेस होने से कुछ गलतियां हो गई। तो ध्यान रखें आगे से भी आपको हर विषय का, हो सकता है समग्र विषय का भी या टॉपिक वाइज भी आपको इस तरह से टेस्ट लिया जाएगा। बीच बीच में चैप्टर खत्म होगा तो क्वेश्चन हम कराएंगे ही, या समग्र भी हम सभी विषय का लेकर के कुछ क्वेश्चन का सेट आपके सामने आ सकते हैं। और ये धीरे धीरे प्लेटफॉर्म है 66 बीपीएससी की तैयारी के लिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, और उसी को हम लोग को अंजाम तक पहुंचाना है। तो चलिए शुरू करते हैं लीवर या यकृत से संबंधित जो फंक्शन की बात, जो स्ट्रक्चर देख चुके हैं, और आज हम लोग इसका सिर्फ कार्य पर फोकस करें। तो उसके पहले हम एक रिव्यू कर लें कि आप लोग जो पढ़े थे इसके पिछले वीडियो में या पिछले ऑनलाइन क्लास में वो कुछ याद है कि नहीं। तो यहां पर हमने कहा था कि लीवर में दो बड़े बड़े लोब होते हैं, और उसमें बड़ा लोब कौन, राइट की लेफ्ट, तो बड़ा लोब कौन है, राइट लोब। राइट लोब के नीचे ये छोटा सा पैकेट है, इसका नाम गॉल ब्लैडर। इसके अंदर कुछ द्रव बनता रहता है जिसको वाइल कहते हैं, पीत, और पीत जिसमें रहता है उसको गॉल ब्लैडर कहा जाता है। जिस नली से इसके अंदर का द्रव या पदार्थ बाहर आता है उस नली का नाम सीवीडी। सीवीडी का फुल फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट। हमने बताया था कि लीवर एक विशेष कोशिका से बना होता है। कौन बता सकते हैं, रिप्लाई कीजिए कि कौन कोशिका इस लीवर का निर्माण करती है। तो हमने बताया था कि लीवर का निर्माण के लिए एक विशेष कोशिका जिसका नाम हिपैटोसाइट। दो क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट कि लीवर या यकृत को जो शुद्ध रक्त पहुंचाता है, हृदय से शुद्ध रक्त लीवर तक पहुंचता है, उसका नाम बताइए, रिप्लाई कीजिए जल्दी। तो उसका नाम था हिपैटिक आर्टरी। और जो अशुद्ध रक्त पहुंचता है यहां पर पोषक तत्वों को लेकर, उस नली का नाम, रिप्लाई कीजिए जल्दी जल्दी। और रिप्लाई करने से आपको चीजें मेमोराइज होगी, याद रहेगी बातें। तो हमने कहा था अशुद्ध रक्त हिपैटिक पोर्टल वेन लेकर आता। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका वजन क्या होता है ये सब हमने बताया आपको। अब यहां से हम लोग कार्य की बात कर रहे हैं, और हमने पिछले क्लास में ही कहा था कि लीवर या यकृत जो है बहुत बड़ा ऑर्गेन है, बहुत बड़ा ग्रंथि है, शरीर का सबसे बड़ा, और बड़ा हमने कहा था नाम से ही नहीं है, काम से भी बड़ा है। हमारे लिए नहीं, कि हमने कहा कि 100 में 80 बेमान फिर भी मेरा देश महान, तो ऐसा नहीं करना। महान बनने के लिए महान सेक्रीफाइस करना होता है, त्याग करना होता है, चीजों को उस रूप में लाना पड़ता। आप बीपीएससी अधिकारी बनना चाहते हैं तो बहुत बड़ा पोस्ट है, तो बहुत बड़ा पोस्ट अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, और डेडिकेशन चाहिए, और धैर्य चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, एक चीज मैं बता देता हूं कि हम जो पढ़ रहे हैं जीएस समान अध्ययन, इससे ऑफिसर बना जाता है। मैथ रीजनिंग इंग्लिश जो पढ़ते हैं उससे क्लर्क किरानी बनता है। तो आप समझें कि क्या पढ़ना आपको ज्यादा अच्छे से। जीएस अच्छे से पढ़ेंगे तो अधिकारी बनेंगे, और वो जो भी आएंगे वो आपके अंदर में काम करेंगे, और मैथ रीजनिंग ज्यादा स्ट्रांग करेंगे तो या तो बैंक क्लर्क बनेंगे, बैंक पीओ बन जाएंगे, एसएससी में जाके
एलडीसी ज्वाइन करेंगे और यूडीसी ज्वाइन करेंगे। तो हम ये नहीं करें कि वो सब जॉब खराब है, लेकिन हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि आप ज्यादा मेहनत करके वो अचीव करें, तो उतना मेहनत अगर कर दें तो आप एक कमीशन स्तर के रैंक के अधिकारी बन जाएंगे, गस्टेड ऑफिसर। और इस रूप में ध्यान रखना है कि उसी के लक्ष्य को हम आज टारगेट करके काम कर रहे हैं। और हमने कहा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहे हैं जिसमें पूरी प्लान तरीके से हम 66 बीपीएससी को ज्यादा से ज्यादा लड़के को क्रैक करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फंक्शन की बात करते हैं। हमने कहा बड़ा है इसलिए बड़े बड़े काम भी हैं, तो बड़ा बड़ा काम क्या है इसको ध्यान दें। तो पहला जो फंक्शन है हमने कहा था कि पाचन संबंधित इसका कार्य है पहला, क्योंकि पाचन ही पढ़ रहे थे तो पाचन संबंधित कार्य क्या है। तो पाचन संबंधित कार्य की अगर बात करें तो हमने कहा था कि पाचन के लिए इसके अंदर एक पदार्थ बनता है जिसको हम लोग वाइल कहते हैं, वाइल या पीत। तो पीत के बारे में कुछ चीजें हम बता चुके थे पिछले क्लास में, तो उसको हम आगे ले जा रहे हैं। हमने कहा था पीत एक एलोइस ग्रीन कलर का लिक्विड है, एलोइस ग्रीन कलर का लिक्विड है, मतलब पीला भी है और हरा भी दिखता, तो दोनों कलर को मिलाकर के एलोइस ग्रीन कहा गया। हमने कहा था कि एलोइस कलर येलो क्यों होता है, क्या है इसमें जो येलो है, ये अब याद रखना है नाम, भूले नहीं, गलती करेंगे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा आप एग्जाम से बाहर हो जाएं। तो कंसिस्टेंसी रखें और ध्यान रखें जो चीज बताया जाता है। मैंने कहा था ब्लू येलो जो है वो बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण है, और ग्रीन जो है ये है बी लीवर डीन पिगमेंट के कारण। तो दो पिगमेंट, एक येलो और एक ग्रीन, यहां पर बिलिरुबिन है, यहां बी लीवर डीन है, तो ये ध्यान रखना। अब यहां ध्यान दें कि इस वाइल का हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था पीएच मान, और पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, हर एग्जाम में पीएच मान पूछा जाता है। और हम कह रहे हैं शरीर में जो जो चीज का पीएच मान बताया जाए उसको ज्यादा ध्यान रखें, आप उसमें गड़बड़ ना करें। तो पीएच मान जो है वो 7.5 से लेकर हमने कहा था 8.5 तक होता है, और कितना पीएच मान वाला क्या होगा, अम्लीय क्षारीय की उदासीन। तो हमने बताया था कि ये क्षारीय अल्केलाइन है, क्योंकि 7 से ज्यादा है और 7 से ज्यादा वाला क्षारीय ही होता है। अब आगे बढ़े तो इसके कंपोजिशन पर ध्यान दें कि इसमें होता क्या। तो वाइल हम पढ़ रहे हैं तो वाइल में ध्यान देंगे कि दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, एक कंपोनेंट जो है वो सबसे मेजर कंपोनेंट है, वो है वाटर, जल। और वाटर हमने कहा था पहले भी कि वाटर जब आ जाए तो वाटर के क्वांटिटी पर हमेशा नजर रखें, हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो जल को ध्यान देंगे कि जल इसमें जितना वाइल बनेगा पी जो लीवर के अंदर बनेगा जो भी इसके अंदर, उसमें वाटर की मात्रा लगभग 97% होता है, यह ध्यान रखना, मतलब 97% जल ही होगा इसके अंदर जो बनेगा, और बाकी जो बच गया उसमें वाइल साल्ट है, यह ध्यान रखना है वाइल साल्ट, और ये वाइल साल्ट का मात्रा टोटल वाइल का 2%, तो टोटल होता है 100%, कोई भी चीज अपने आप में 100% है। तो 100 में 97 हो गया जल और 2% हो गया नमक, तो दोनों मिला दे तो 97 और 2 99, बाकी बच गया 1%। तो 1% में ये पिगमेंट है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन ये सब मिलकर, तो ये दोनों मिला देंगे तो सब मिलाकर के 100% हो जाए। तो ध्यान रखना है कि वाटर 97%, वाइल साल्ट 2% और वाइल पिगमेंट ये दोनों मिलाकर के 1%। अब यहां ध्यान देना है कि वाइल साल्ट जो है यहां पर ये एक अलग तरह का सॉल्ट है, और ये सॉल्ट जो है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा। तो सोडा दो तरह का, खाने वाला और धोने वाला, तो खाने वाला ये सोडा है, एग्जाम में पूछता भी है कि खाने वाला सोडा का सूत्र बता, तो सूत्र याद रखना है NaHCO3, केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एक सॉल्ट है और ये दो पिगमेंट है, और वाटर तो है ही,
तो जो रोल है यहां पर पाचन का, ये इन दोनों का और इसका, यही दोनों का। यहां ध्यान रखना कि बिलिरुबिन और बिलिबर्डीन ये दोनों उत्सर्जी पदार्थ है, और उत्सर्जी पदार्थ जो है ये बिलिरुबिन मुख्य रूप से इन दोनों में मेजर यही होता है, बिलिरुबिन कुछ मात्रा में ये होता, और ये दोनों के निर्माण के लिए एक सेल है जिसका नाम आरबीसी है, और आरबीसी जब मरता है तो ऐसे पिगमेंट बन जाते हैं, क्योंकि जब आरबीसी पढ़ाएंगे हम बताएंगे आपको, जब सर्कुलेटरी सिस्टम में आएंगे तो पता लगा कि वहां हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण लाल दिखता है खून, तो वही जब मरेगा तो वही हीमोग्लोबिन चेंज करेगा और ये बन जाएगा बिलिरुबिन। अब इसको यहां से निकालने की जिम्मेवारी है किसकी, इसकी, ये निकालेगा इसको बार बार, क्योंकि ये हार्मफुल है, ये शरीर में रहेगा तो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए इसको निकालना है, और ये निकालने का जिम्मेवारी किसको, लीवर की। और निकलेगा कहां से, तो बिलिरुबिन जो होता है ये अस्टूल के माध्यम से निकलता है, अस्टूल मतलब लैट्रिन पखाना जो जाते हैं, तो डाइजेस्टिव वेस्ट जो निकलता है उसी अस्टूल के माध्यम से बिलिरुबिन को ये बाहर करता रहता है लीवर, ताकि शरीर को कोई नुकसान ना हो, मतलब ये उत्सर्जी पदार्थ, इसीलिए कॉमनली अस्टूल का कलर पीला होता, और इसीलिए जब भी कोई लीवर संबंधित फंक्शन जानना होता है तो डॉक्टर यूरिन और स्टूल का टेस्ट लिख देते हैं, ये लीवर खराब होगा तो दो चीज के कलर में चेंज आ जाएगा, यूरिन का कलर बदल जाएगा और स्टूल का कलर बदल जाएगा, खासकर जॉन्डिस वगैरह में, हेपेटाइटिस में, इसलिए डॉक्टर दोनों चीज को चेक करता है सबसे पहले कि वो कलर सही है कि नहीं, अगर कलर गड़बड़ा गया तो लगने लगता है कि लीवर में कुछ इन्फेक्शन है, तो ये ध्यान रखना। तो ये बिलिरुबिन और बिलिरुबिन की बात, अब यहां ध्यान रखना ये NaCO3 को, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, और यहां जो ये वाइल साल्ट है, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में है, इसका काम है फैट्स को पचाना, फैट्स को पचाना, बसा को, बसा जिसमें तेल, घी, मक्खन, ड्राई फ्रूट्स, मेवे, ये सब आते हैं, तो वो पचने के लिए ये चाहिए, ये नहीं होगा तो ये पचेगा नहीं, घी मक्खन खाएंगे नहीं पचेगा, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम होता है वो एंजाइम इसके कार्य के बाद ही काम कर सकता, तो ध्यान रखना है बसा पचे इसके लिए इसका रहना जरूरी है, तो फसा को, फैट्स को तोड़ने का काम करता ताकि टूट जाएगा तो ये पच जाएगा, इसलिए देखते होंगे कॉमनली एक फीचर है कि जब भी लीवर में प्रॉब्लम आ जाए तो डॉक्टर सबसे पहले कहता है बसा खाना बंद कर दीजिए, तेल घी मक्खन मत खाइए, क्यों नहीं खाइए, चूंकि काम नहीं कर पा रहा है, पचा नहीं पा रहा, और कोई काम ना करे और जबरदस्ती काम का लोड डाल दे, एक आदमी 5 किलो का बैग नहीं उठा सकता है, मान लिए उसके शरीर में तबियत खराब है, 5 किलो लेकर नहीं चल सकता, और कहें कि आप 10 किलो लेकर चलिए तो वो तो तबियत क्या होगा, और ज्यादा खराब हो जाएगा और डिजनेट कर जाएगा, तो यही स्थिति है कि लीवर अभी बीमार है तो इसको थोड़ा आराम दीजिए तो ये धीरे धीरे रिकवर करेगा तो फिर काम करने लगे, इसलिए ऑयली तैलीय चीजों को, तला भूंजा फ्राई किया हुआ चीजें मना कर देता है डॉक्टर, कारण यही है। तो कभी कभी पूछ दिया कि बसा को तोड़ने वाला कंपाउंड कौन है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यही फीचर है इस बाइल का, इसी के लिए बाइल बनता। अब आगे चले तो पाचन संबंधी कार्य के बाद कई और महत्वपूर्ण कार्य, और एक कार्य है संग्रह का, तो संग्रह का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट, बीपीएससी में पूछा गया है संग्रह संबंधित कार्य को, बीपीएससी छोड़े हर एग्जाम में पूछा गया, एसएससी में, रेलवे में, यूपीएससी, तो संग्रह मतलब स्टोरेज होता, और ये जो है ये कई चीजों का स्टोरेज प्लेस है, भंडारण करता है, जैसे हम लोग के पास कोई चीज ज्यादा हो जाता है तो उसको स्टोर करते, किसी के पास पैसा ज्यादा हो जाए, बेसिक नीड से, जरूरत से ज्यादा, तो बैंक में जमा करते हैं, जहां भी उसको जरूरत होता है वो उसको स्टोर करते, ज्यादा अनाज उपजा लेते हैं तो उसको घरों में स्टोर करते हैं, ज्यादा आलू प्याज उपजाने तो स्टोरेज करते हैं कोल्ड स्टोर में जाकर, तो स्टोरेज एक बड़ा फंक्शन, और यहां स्टोरेज होता है दो चीज का मेनली, एक स्टोरेज है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट पहला, और दूसरा स्टोरेज जो है वो विटामिन का है, तो दोनों याद रखना, कार्बोहाइड्रेट को और विटामिन को भी, हम जो भी बता रहे हैं एक भी पॉइंट आप छोड़ के नहीं पढ़ सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं कि सर बताएं तो इसमें हम शॉर्ट कर देते हैं, तो आप शॉर्ट करेंगे तो रिजल्ट शॉर्ट हो जाएगा, तो इस चीज से बचें,
शॉर्ट ना करें, शॉर्टकट रास्ता हमेशा खतरनाक होता हर मामले में। जब भी शॉर्टकट अपनाएंगे आपको बहुत कष्ट होगा। तो जो प्रोसेस है बेसिक एकदम चले, फाउंडेशन से चले, तो फाउंडेशन से करेंगे एकदम प्रक्रिया से कभी गड़बड़ नहीं होगी। अगर हम लोग प्राइमरी स्टेज तक अच्छे से पढ़ लिए होते तो ये ट्यूशन कोचिंग का झंझट नहीं पड़ता। शॉर्टकट मारा हमने, जंप कर गया। बहुत सारे गार्जियन होते हैं कि बच्चा को बहुत तेज होता है तो जंप करा देते हैं, तीसरा चौथा नहीं पढ़ेगा, डायरेक्ट पांचवा में एडमिशन करा दी। तो जंप कर गया, पता चला कि तीसरा चौथा का बेस था वो छूट गया। कई लोग तो पढ़ते नहीं, सीधा मैट्रिक के एग्जाम में ही बैठ जाते हैं, एकदम सीधा हमारा बचवा मैट्रिक के कर जाएगा एक के बार में। तो ये तो आगे चल करके बुझाएगा कि आप कहां उसको टपा दिए कि पूरा टपिए गया एक के बार, ऐसा टपा कि किसी चाल लायक ही नहीं रहा। तो टपाना नहीं है, प्रोसेस से चलना, प्रोसेस से चलते रहेंगे सब कुछ आसान होगा। एक बार थोरली पढ़ लिया जाए तो बिल्कुल आसान हो जाता। जो स्पीडी है लूसेंट वो टपने वाला काम है, कि लूसेंट ले लिए टप रहे हैं, हर चैप्टर को टपा दिए बार बार, अलग रहा कहना हम जीएस कमांड कर दिए, अब एग्जाम में गए तो फूस हो गया, कुछ याद ही नहीं कर रहा, काम ही नहीं हो रहा। तो उससे बचें, एकदम थोरो पढ़ें, कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ें। अब यहां देखें तो कार्बोहाइड्रेट विटामिन दो को स्टोर करना, संग्रह करना, और संग्रह में कार्बोहाइड्रेट को ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट जो संग्रह करता है वो एक स्पेशल कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम ग्लाइकोजेन है, ये ध्यान रखना है। ये पूछता है बार बार कि ग्लाइकोजेन हमारे शरीर में कहां जमा रहता है, तो यहां आंसर क्या करेंगे, लीवर में। और लीवर के अलावा भी होता है मांसपेशियों में, जो हम आगे पढ़ें, हम लोग स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां चर्चा करेंगे, रेस्पिरेशन में चर्चा करेंगे। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट में ध्यान रखना, और विटामिन में ध्यान रखना है कि जो विटामिन होता है वो ए डी ई और के, ये चार विटामिन को स्टोर करता है। बच गया कौन कौन नहीं स्टोर करेगा, तो बी और सी को स्टोर नहीं करेगा। तो दोनों याद रखना, यही हमने कहा शॉर्टकट नहीं अपनाना, हम बता दिए ये तो लकीर के फकीर मत बन जाए कि यही रट लिए खाली। अब ये पूछ दिया कि लीवर किसको स्टोर नहीं करता है, तो बी और सी को स्टोर नहीं करता, तो स्टोर किसको करता है, ए डी ई और के को, और उसमें भी सबसे ज्यादा ए और डी को। तो पूछेगा आपसे, ध्यान रखना है कि विटामिन ए हमें मिलेगा संग्रह रूप में कहां, तो लीवर में, और ये चारों जो है ये चारों फैट सॉल्युबल विटामिन वसा में घुलनशील, वाटर में घुलनशील विटामिन को स्टोर नहीं करे, ये ध्यान रखना। और ग्लाइकोजेन जो है ये कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट, और ये बनता है ग्लूकोज के चेंज करने से, ग्लूकोज चेंज करता है और ग्लाइकोजेन बन जाता है, और जब बन जाता है ग्लाइकोजन तो इसको स्टोर कर लेता है लीवर। तो ये दोनों चीज ध्यान रखना, अगर ये स्टोर नहीं करेगा तो उस आदमी को डायबिटीज हो जाएगा, क्योंकि यही ग्लूकोज जब स्टोर नहीं होगा तो ब्लड में जमा हो रहा है, जमा होते रहेगा, और ब्लड में जब ग्लूकोज बढ़ जाता है तो कहते हैं इसको डायबिटीज हो गया, शुगर की बीमारी हो गई। तो समझ रहे हैं कि शुगर से बचाने में भी लीवर की बड़ी भूमिका। तो यहां दोनों चीज को ध्यान रखना, एक पाचन संबंधित कार्य, एक संग्रह का कार्य। अब आगे चलें तो संग्रह के बाद कुछ सिंथेटिक कार्य, मतलब निर्माण संबंधित कार्य, तो निर्माण का कार्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्माण का कार्य कुछ चीजों का फॉर्मेशन करेगा, यहां पचा दिया कुछ चीजों को, जिसमें पचाने का किसको पचाया, किसको पचाया, तो बसा को पचाया। तो स्टोर किसको किया, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया और चार तरह के विटामिन को स्टोर किया। अब निर्माण करना, तो निर्माण किसका करेगा, तो निर्माण करेगा ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन को, ये ध्यान रखना पहला। तो ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, तो ब्लड जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ब्लड में दो चीज होता है, सेल और प्लाज्मा, और प्लाज्मा में चार तरह के प्रोटीन, ये ध्यान रखना। और ये चारों प्रोटीन को ध्यान रखेंगे, ये ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, इसकी प्रोटीन बहुत सारा मिलेगा पूरा बायोलॉजी में, लेकिन यहां जो लिखना है वो चार को ध्यान रखेंगे। एक है एल्बुमिन, दूसरा है ग्लोबुलिन, तीसरा है फाइब्रिनोजेन, और चौथा है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन।
तो यही चार प्रोटीन है और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे जब हम लोग हृदय पढ़े हैं, तो वहां पर इस सब की चर्चा करेंगे हम अलग से। लेकिन यहां पर ये नाम याद रखना, अब यहां ध्यान देना है कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों जो है, इन दोनों को इसको खाली याद रखना, ये दोनों नहीं, ये अलग है, ये हम अंडरलाइन कर दिए इसको, तो यही दोनों को ध्यान देना। ये दोनों जो है इसको ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कहा जाता, ये ध्यान रखना। तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन पूछता है एग्जाम, इसलिए हमने मेंशन किया है यहां कि इनमें से कौन ऐसा प्रोटीन है जो रक्त को जमा देता है। तो रक्त कहां जमेगा, कहां जमेगा रक्त, हृदय में, ब्रेन में, नली में, शरीर से बाहर? तो शरीर से बाहर जमेगा, रक्त कभी भी शरीर में नहीं जमता, कटेगा और बाहर आएगा तो जमेगा, लेकिन तभी जमेगा जब ये दोनों रहेगा, ये दोनों नहीं रहेगा तो नहीं जमेगा। किन्हीं किन्हीं को हीमोफीलिया हो जाता, तो हीमोफीलिया में क्या होता है कि उसका ब्लड जमता ही नहीं, काट देंगे तो ब्लड जमेगा ही नहीं, और नहीं जमेगा तो क्या होगा, नहीं जमेगा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। कैसे? पूरा ब्लड रिस जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा, और ब्लड जब कम जाएगा शरीर में तो आदमी की जान चली जाएगी, इसलिए जमना जरूरी है, और जमने के लिए इसका रहना जरूरी है दोनों का। तो कटता है, जमता है, इन दोनों की वजह से, इसलिए इसको ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन मानते हैं। तो ये दोनों नाम ना दे, ये लिख दे कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो लीवर करता है। और ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होता कौन कौन है, तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये अक्सर पूछेगा एग्जाम। तो ये हो गया निर्माण का कार्य। एक दूसरा जो निर्माण करना है ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा, और वो है एक ब्लड सेल जिसका नाम आरबीसी है। आरबीसी पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, क्या है आरबीसी, कैसे होता है, कैसा इसका कार्य है, लेकिन यहां जो फंक्शन है उस पर ध्यान दें। तो आरबीसी को कहते रेड ब्लड कॉर्पसेल, लाल रक्त कणिका कहा जाता है, और ये ब्लड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला सेल, इसी की वजह से शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसमें हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ढो करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और जीवन चलाने के लिए आरबीसी का रहना जरूरी है। और ये आरबीसी का निर्माण दो जगह पर होता, और दो जगह पर जो निर्माण होता है उसको ध्यान रखना। तो दो जगह पर निर्माण होगा, पहला जो होगा वो एक जगह है जिसका नाम लीवर, तो लीवर है ये ध्यान रखना है। तो पहला निर्माण लीवर में होगा, और दूसरा जो निर्माण होगा उसका नाम है रेड बोन मैरो, ये ध्यान रखना। तो यहां पर स्टूडियो के बाहर अभी डेंगू के लिए छिड़काव हो रहा, तो थोड़ा साउंड जा रहा होगा, तो उसे घबराना नहीं है, मच्छर का काल है अभी, मच्छर बहुत प्रकोप है, तो गवर्नमेंट नगरपालिका वाले छिड़काव कर रहे हैं, तो साउंड जा रहा होगा, कुछ देर में साउंड समाप्त हो जाएगा, तो उसके लिए सोचना है। अब यहां ध्यान दें कि लीवर और रेड बोन मैरो में आरबीसी बनता, अब आरबीसी बनता है तो लीवर में जब बनेगा तो ये बनेगा कब, तो एक व्यक्ति जब गर्भावस्था में होता, ये ध्यान रखना, तो गर्भावस्था में लीवर में बनेगा, और जब किसी का जन्म हो जाएगा तो जन्म के बाद जो बनेगा वो रेड बोन मैरो में बनेगा। तो ये ध्यान रखना कि आरबीसी का फॉर्मेशन दो जगह होता, एक तो यकृत में होता और दूसरा रेड बोन मैरो में होता, लेकिन दोनों का ड्यूरेशन अलग, एक तब होता है जब बच्चा गर्भ में होता, मतलब मां के गर्भ में कोई बच्चा पल रहा, 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड है गर्भावधि का, तो गर्भावधि काल में बच्चा जो मां के गर्भ में पल रहा है तो उस समय बच्चे के शरीर में ब्लड है आरबीसी है, और वो आरबीसी जो बन रहा है उस बच्चे में उसका निर्माण उस बच्चे का लीवर कर रहा, ये ध्यान रखना। लेकिन जब बच्चा जन्म ले लिया तो जन्म के बाद वही आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो करता है, जो हम पहले बता चुके हैं जब हम लोग टिश्यू पढ़ रहे थे। तो बीपीएससी में ऐसा सवाल ढूंढता रहता है एग्जाम में कि कौन ऐसा सवाल दें कि परीक्षार्थी बिल्कुल
तारा दिखने लगे उसको, समझे में ना कि क्वेश्चन कहां से पूछा गया। तो ऐसा सवाल पर ज्यादा ध्यान रखना है। पूछ देगा कि आरबीसी बनता है, पहला ऑप्शन देगा लीवर, दूसरा देगा रेड बोन मैरो, तीसरा देगा येलो बोन मैरो, चौथा दे देगा किडनी, पांचवा दे देगा ई ऑप्शन। तो क्या आंसर करेंगे बीपीएससी में बैठने वाले आप लोग? तो आंसर पांचवा हो जाएगा ई, क्योंकि एक से अधिक सही, ये भी सही, ये भी सही। तो ध्यान रखना है कि बीपीएससी थोड़ा सा कठिन हो जाता है, और कठिन होने का कारण यही है कि वहां ऑप्शन एक से अधिक सही होता, और जहां भी ऐसी संभावना मिलेगी वहां पर ऑप्शन मिलेगा आपको, दो दो से अधिक भी मिलेगा। तो ये हो गया निर्माण का कार्य। तो तीन कार्य आपने देखा, एक देख लिया पाचन का कार्य, एक देख लिया संग्रह का कार्य, और तीसरा देखा आपने निर्माण का कार्य। अब आगे चलते हैं और आगे जो देखेंगे और महत्वपूर्ण कार्य, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट सारा सेक्शन है। यहां पर एक भी पार्ट हम कह रहे हैं कि आप छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते, आपको तो दूरी तय करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ और लगन के साथ। इंटरेस्ट पैदा करें पढ़ाई में, रटने का प्रयास न करें। अब यहां जो कार्य है एक लगला वो है उत्सर्जन का कार्य। तो उत्सर्जन का कार्य करता है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें एक तो आपको हम बता दिए लेकिन मेन उत्सर्जन का काम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लीवर का। एक हमने कहा बिलिरुबिन को बाहर निकालता पिगमेंट के रूप में, पीला पिग। अब यहां उत्सर्जन का काम, उत्सर्जन मतलब क्या होता है तो पूरा चैप्टर ही हम बताएंगे उत्सर्जन का। तो उत्सर्जन होता है शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना, जैसे गाड़ी में धुआं निकलता है तो वो क्या उत्सर्जन है। घर में चूल्हा बनाते हैं तो धुआं निकलता है, उत्सर्जन। घर में अगर काम करते हैं दिन से दिन भर तो शाम होते होते घर गंदा हो जाता है, फिर सुबह झाड़ू देते हैं गंदगी बाहर हो जाता है। तो गंदगी बाहर करना शरीर के अंदर उत्सर्जन कहलाता है। और पता होना चाहिए आपको कि मानव या स्तनधारी के लिए उत्सर्जी पदार्थ क्या है, यही क्वेश्चन पूछ दे कि मानव का उत्सर्जी पदार्थ क्या है। कौन कौन बता सकते हैं जल्दी रिप्लाई कीजिए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट उत्सर्जी पदार्थ है वो है यूरिया, जो एक जहर है हमारे शरीर में और वो लगातार बनता है, और उसका काम है यूरिन के द्वारा बाहर आना। जो मूत्र डिस्चार्ज होता है, मूत्र हम लोग त्याग करते हैं, उस मूत्र का एक ही काम है यूरिया को बाहर करना। इसीलिए देखते हैं बाथरूम में बहुत गंध होता है, पूछता भी है कि बाथरूम शौचालय में बहुत गंध होता है क्यों, ऑप्शन देगा यूरिया के कारण, यूरिक एसिड के कारण, अमोनिया के कारण। तो अमोनिया के कारण निकलता यूरिया है यूरिन में, लेकिन जब बाहर आता है हवा में तो हवा में ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो फिर वो अमोनिया बन जाता है, और अमोनिया जैसे ही बनेगा तो गंध देने लगेगा। कोई यूरिन जब त्याग करता है उस समय गंध नहीं देता, लेकिन यूरिन त्याग करने के आधा घंटा बाद बाथरूम में घुसेंगे, पानी अगर नहीं दिए, साफ नहीं किए हैं तो गंध देने लगेगा, क्योंकि तब तक वो रिएक्शन कर चुका हवा से, तो अमोनिया बनेंगे। आप बार बार पूछेगा एग्जाम, पूछ देगा कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो शौचालय जाते हैं तो बहुत तीक्ष्ण गंध देता है, क्यों, क्योंकि शौचालय से अमोनिया गैस निकल रहा है, क्योंकि कोई ना कोई वहां पर यूरिया डिस्चार्ज किया है। और यही चीज यहां पर है, और उस यूरिया का सारा निर्माण का जिम्मेवारी लीवर के पास है। तो होता क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर अमोनिया बनता, जो हम लोग बताएंगे हमको आपको कब, जब हम लोग उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे, किडनी का फंक्शन जो यूरिन बनाता है। तो अमोनिया बनता है, लेकिन अमोनिया बॉडी निकाल नहीं सकता है स्तनधारी में, अमोनिया मछली निकालती है, मछली के अलावा टैडपोल लार्वा निकालता है, लेकिन जानवर जो है पृथ्वी के, मानव उसमें शामिल है, वो यूरिया निकालता है। तो इस अमोनिया को यूरिया में बनाने की प्रक्रिया ये करता है कौन, लीवर। ये नहीं हो तो यूरिया बनेगा ही नहीं। तो ध्यान रखना है कि अमोनिया है ये, और अमोनिया से यूरिया बनाने के लिए लीवर एक काम करता है जिसका नाम है ऑर्निथिन साइकिन, ये ध्यान रखना। तो ऑर्निथिन साइकिन एक केमिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा अमोनिया यूरिया बन जाता, तो यही याद रखना कि ऑर्निथिन साइकिन की क्रिया शरीर में कहां होगा, तो लीवर में होगा। ये नहीं करेगा तो लीवर में यूरिया बनेगा नहीं, और यूरिया नहीं बनेगा तो जमा होगा, अमोनिया जमा हो जाएगा, आदमी की डेथ हो जाएगी, क्योंकि पॉइजन है, जहर। अब जब ये बनेगा तो ये बन जाएगा क्या, यूरिया बन जाएगा, NH2
CONH2, दैट इज कॉल्ड यूरिया। तो था ऐसे, और ऐसे बनाने के लिए ये काम हुआ, और ये काम किया कौन? तो लीवर किया। तो होता क्या है कि ये दो अमोनिया का अणु कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और बदले में ये बनाता है, और साथ में H2O बाहर आ जाता। तो यही रिएक्शन करने के लिए लीवर का सारा काम, और यह हो गया तो ये यूरिया बन गया। यही यूरिया का सूत्र है, पूछेगा भी यूरिया का रासायनिक सूत्र बताएं, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2, डाई अमीनो कीटोन कहते हैं इसको, केमिस्ट्री में पढ़ना हम लोग। तो इतना चीज ध्यान रखेंगे, अमोनिया से यूरिया बनता है, और कैसे बनता है? तो इस साइकिल से बनता है, और इसके द्वारा H2O बाहर निकल आता है, और इसलिए अमोनिया बाहर ना करके यूरिया बाहर आता है। ये काम कौन करेगा? लीवर करेगा। अब ये यूरिया बन गया तो ये यूरिया जाएगा कहां? किडनी में, और किडनी में मूत्र त्याग किया जाएगा, और मूत्र त्याग से ये शरीर से यूरिया बाहर निकल जाएगा। तो इतना ही तो फंक्शन है उत्सर्जन का, और ये काम भी कौन कर रहा है? तो लीवर कर रहा है। अगर लीवर ना हो तो ये काम भी नहीं होगा। तो ये हो गया उत्सर्जन का काम। तो सब पॉइंट जो बता रहे हैं आप एक भी मिस ना करें, तो बिल्कुल कंठस्थ याद रखें, कॉन्सेप्ट को समझ कर शॉर्टकट ना अपना। जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि आप लोग वीडियो जो ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं उसके बाद जो देखते हैं लोग, तो बहुत शॉर्टकट देखते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके। 40 मिनट का वीडियो होता है उसको 5 मिनट 6 मिनट में फास्ट देख लेते हैं। तो जितना आप फास्ट चलेंगे उतना ही गिरने का डर होगा, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा जब पढ़ाई करें तो पेशेंस के साथ करें, और कमीशन की तैयारी में पेशेंस बहुत मायने रखता है। जब तक धैर्य नहीं होगा तब तक आप कमीशन का एग्जाम में तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो अब चलते हैं आगे, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है उत्सर्जन के बाद, और वो फंक्शन है जिसका नाम है रीजेनरेशन। तो रीजेनरेशन हिंदी में पुनर उद्वन कहा जाता, तो ये ध्यान रखना। और ये भी एक यूनिक फंक्शन है लीवर का। तो यहां नाम ही से स्पष्ट है रीजेनरेशन, री मतलब पुनः, और जेनरेशन मतलब बनना, फिर से बन जाना। और ये काम बॉडी का बहुत सारा ऑर्गन करता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्षमता इसी में, लीवर में। तो बिल्कुल कॉमन कॉन्सेप्ट है, जैसे नाखून काटते हैं तो नाखून फिर से बड़ा हो जाता है, रीजेनरेट कर लिया। त्वचा कटता है, त्वचा फिर से रिपेयर हो जाता है। तो ऐसा बहुत सारा, लेकिन ऑर्गेन में ये कम देखा जाता है। किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, इन सब में नहीं दिखेगा, लेकिन लीवर में दिखता है, हृदय में नहीं दिखता, लेकिन इसमें दिखेगा। जैसे छिपकली होती है घरों में, वॉल लिजार्ड, तो छिपकली एक रेप्टाइल्स वर्ग की प्राणी है, और वो दीवारों पर रेंगती रहती है कीटों को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो कीट भक्षी है, कीट ही उसका भोजन। तो छिपकलियां आती है तो हम लोग उसको भगाना चाहते हैं, और भगाने के लिए जैसे ही आप जाएंगे डंडा लेकर, कुछ भी लेकर, झाड़ू लेकर, आप जैसे ही प्रहार करेंगे तो देखेंगे नॉर्मली सबसे पहले उसका पूंछ कट कर गिर जाता, और पूंछ में एक्टिविटी होती है, जब गिरेगा तो एक आध मिनट वो उछलता रहता, और इसी कारण से आदमी का कंसंट्रेशन भंग हो जाता। आपने छिपकली को भगाने का प्रयास किया, पूंछ कट कर गिरा, और आपका ध्यान पूंछ पर चला गया, और जितना देर में पूंछ शांत होगा आप देखेंगे उसको, तब तक छिपकली वहां से 9-2-11 हो जाएगी, फिर वो नीलेगी नहीं, ढूंढते रहेंगे किधर घुस गए किधर घुस गए, और फिर वो निकलेगी 2-4 दिन बाद, और फिर दिखेगी कि वो पूंछ जो था वो फिर से बाहर आ रहा है, पूंछ फिर से डेवलप हो रहा है, और महीना दिन बीतते बीतते पूंछ जैसा पहले था वैसे बन जाएगा उसका, क्योंकि उसके पूंछ में रीजेनरेटिव फंक्शन है, वो रीजेनरेट करने का क्षमता रखता, और यही काम ये भी करता। तो ये ध्यान रखना है कि मानव के शरीर में यकृत में, यकृत जो होता है, यकृत में सर्वाधिक सर्वाधिक रीजेनरेशन की क्षमता होती है, रीजेनरेशन की क्षमता पाई जाती है, ध्यान रखना। और इसीलिए
लीवर का ट्रांसप्लांट होता, लीवर एक व्यक्ति का दूसरे में लगाया जाता, लेकिन किडनी दो होता है तब तो एक आदमी दे देता है किडनी, लीवर तो एक ही है, ये दे देगा तो फिर उसका काम कैसे चलेगा? तो एक आदमी लीवर नहीं दे सकता अपना पूरा, तो देगा क्या, तो इसका एक टुकड़ा काट कर देगा ताकि उसका भी काम चले और जिसको दिया जाए उस पेशेंट का भी काम हो जाए। तो जब इसको काटेंगे ऐसे, अगर इतना दूर काट कर दे दिए, चाकू से काट करके डॉक्टर लगा देते हैं तो लग गया, और जिसमें लग गया उसका भी काम हो गया, ये लीवर बचा हुआ है तो डोनर का भी काम चल रहा। लेकिन ये लीवर समय के साथ ये बढ़ेगा ऐसे, और फिर बढ़ करके ऐसे अपने आप को बना लेगा। तो डेट इज कॉल्ड रीजनरेशन। और ये क्षमता यकृत की एक यूनिक क्षमता जो किसी अन ऑर्गेन में नहीं होता, तो ये ध्यान रखना। तो ये हो गया रीजनरेशन की क्षमता। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है डिटॉक्सिफाइंग फंक्शन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना है कि एक वर्ड होता है टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब होता है जहर, पॉइजन, और पॉइजन किसी भी तरह का हो सकता है। वैसा कोई भी चीज जो शरीर के लिए हानिकारक है वो जहर है, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो शराब हो, चाहे कोई दवा हो, अगर वो शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है तो शरीर के लिए वो पॉइजन है। तो इस रूप में टॉक्सिक मटेरियल अगर बॉडी में घुसे तो बॉडी चाहता है कि इस जहर को हम क्या करें, समाप्त कर दें, जहर को फैलने ना दें, जहर के प्रभाव को कम किया जाए। और ये जहर के प्रभाव को कम करने वाला सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के रूप में शरीर में काम करता। एक नॉर्मल एग्जांपल देते हैं प्रैक्टिकली, कुछ लोग जो होंगे उन्होंने फील किए होंगे, और जो लोग नहीं फील किए होंगे तो फिर करना पड़ेगा तब फील हो। जैसे कि अगर इसको चेक करना है तो आप शराब पीजिए, दारू, दारू में क्या है, अल्कोहल, और अल्कोहल एक जहर है शरीर के, बहुत पीते हैं लड़के लड़कियां सब पी रहे हैं, आज खूब दिखता है, आधुनिक समय है, मॉडर्नाइजेशन का युग है, और इसको लोग क्लास मानते हैं, बियर पीना, शराब पीना, अल्कोहल पीना पटना में खूब चलता, इसमें लड़के लड़कियां कोई बची हुई नहीं। तो ध्यान रखना है कि जहर है और लीवर के लिए तो बहुत बड़ा दुश्मन है। तो कोई शराब पी रहा हो जो शराबी हो, और ग्रुप में बैठे हो आप भी, कभी कुछ लोग होंगे जो बैठे होंगे, तो जब बैठेंगे तो पता चलेगा कि जब ग्रुप में बैठ रहे हैं, चार लोग मिलकर शराब पी रहे हैं, जैसे ही शराब जाएगा अंदर बॉडी में, एक पैग लेंगे, दो पैग लेंगे, तो दो तीन पैग होते होते उसमें से कोई ना कोई व्यक्ति उठेगा, बोलेगा कि ठहर यार, आ रहे हैं तुरंत हम सर थोड़ा सा बाहर से, मुझे कहां जा रहे हो, तो कहेगा कि जा रहे हैं थोड़ा सा यूरिन डिस्चार्ज करने, मूत कराते हैं। तो क्यों आ रहे हैं भाई, तो शराब गया तुरंत आपको यूरिनेशन की फीलिंग आ गई, क्यों आई, क्योंकि शराब जहर था और बॉडी चाह रहा कि उस जहर को बाहर निकाल दे। निकलेगा कैसे, वोमिटिंग से तो निकलेगा नहीं, निकलेगा तो यूरिन से ही निकलेगा, तो यूरिन डिस्चार्ज करेंगे। देखते होंगे ऐसे लोगों को कि जब शराब पी रहे हो और किसी को बहुत ज्यादा नशा चढ़ गया हो, तो साथी जो होते हैं उसमें जिनको अनुभव होता है कहते हैं कि मूत ले तो नशा उतर जे, तो मतलब क्या कि नशा उतरने का मतलब क्या कि अल्कोहल बाहर आ जाएगा तो नशा उतर जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये चाह रहा है कि हम बाहर कर दें, और इसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका है लीवर की। तो याद रखना एग्जाम में कि जब भी शरीर में कोई जहर प्रवेश करता तो लीवर चाहता है कि वो जहर का इफेक्ट खत्म हो जाए और शरीर को कोई नुकसान ना हो। इसमें अल्कोहल, दवा हो सकता है, एंटीबायोटिक्स, पिक्रिक एसिड होता है, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो शरीर में पॉइजन का काम करते हैं। और इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला अंग के रूप में याद रखना है किसको, लीवर को। तो पूछेगा इनमें से शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो जहर के प्रभाव को कम करता है, तो आंसर क्या होगा, लीवर होगा। अब लास्ट में एक फंक्शन और वो फंक्शन है थर्मल रेगुलेशन का। थर्मल रेगुलेशन, इसमें भी आपको सतर्क रहना होगा। सतर्क क्या रहना होगा कि एग्जामिनर आपको फंसा देगा इसमें।
और फंसाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। थर्मल रेगुलेशन कौन सा होता है? ताप का नियंत्रण, शरीर के तापमान को कंट्रोल करना, तापमान को नियंत्रित करना। क्यों क्यों नियंत्रित करना? इसलिए कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री होता है। 37 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो कहते हैं बुखार हो गया, कम हो जाए तो दिक्कत होने लगता है, शरीर काम नहीं करता। तो ये 37 डिग्री मेंटेन रहे, इसमें स्तनधारी में और पक्षी में, ये दो ही है जिसका शरीर का खून गर्म होता है, मानव, स्तनधारी और पक्षी, जिसका टेम्परेचर फिक्स है, बाकी का टेम्परेचर फिक्स नहीं। जब हम लोग बताएंगे आगे के चक्कर आएगा तो वहां चर्चा करेंगे। ये ताप नियंत्रण का बहुत सारा केंद्र है, बीपीएससी में पूछा भी था, अभी आप जो 65वीं दिए होंगे ध्यान देंगे, क्वेश्चन उठाकर देखेंगे, दिया था कि इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, और उसमें ये ऑप्शन नहीं था लीवर, उसमें ऑप्शन था हाइपोथैलेमस, जो दिमाग में होता, ब्रेन में होता। लेकिन ये ध्यान रखना है, हाइपोथैलेमस ब्रेन में जो है वो तो काम करता ही है, ये लीवर भी काम करता। अगर बीपीएससी में दोनों ऑप्शन रहेगा तो दोनों सही होगा, लीवर भी और हाइपोथैलेमस भी। ये हम बताएंगे जब ब्रेन पढ़ाएंगे आप, जब मस्तिष्क के बारे में पढ़ाएंगे तो वहां सारा चीज चर्चा होगा। तो करता कैसे है? इसलिए करता है कि ये जो लीवर है इसमें बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक फंक्शन हो रहा है। देख रहे हैं कि कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं करता, मेटाबॉलिक फंक्शन कर रहा है। अब जब ज्यादा फंक्शन कोई भी चीज करेगा तो गर्म हो जाएगा। मोबाइल खूब यूज करें, लगा दें और भतियाएं घंटों से घंटों, बहुत अनुभव होगा लोगों को, लॉज में, बैच में, हॉस्टल में रहते होंगे, वो रजाई में घुस घुस करके मोबाइल में बतियाते, कान दर्द करने लगता है, जलने लगता है, फिर भी सटाए रखें, लेकिन क्लास की बातें कंसंट्रेट होकर नहीं सुनते, तो वो तो आपको असफलता से दूर ले जाएगा। इसके लिए कान दर्द करेगा तो थोड़ा सा सफलता के करीब पहुंच जाएंगे। तो गर्म क्यों? क्योंकि वो फंक्शन कर रहा है लगातार, और कोई भी चीज लगातार फंक्शन करेगा तो हीट बनेगा उसमें। यही स्थिति यहां की, लीवर इतना फंक्शन कर रहा है कि यह धीरे धीरे गर्म होता है, इसमें उष्मा पैदा होता है, और उष्मा पैदा होता है तो वही उष्मा बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, अर्थात थर्मल रेगुलेशन में भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो याद रखना, एक ये पूछ देगा कि बॉडी के तापमान को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है कौन? तो लीवर। तो यह भी एक फंक्शन, बाकी ब्रेन में है, जो ब्रेन में हम बताएंगे जब ब्रेन पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे तब। तो ये थर्मोरेगुलेशन, अब इतना फंक्शन देखा, इसके अलावा भी कई फंक्शन है, लेकिन हम लोग वही चीज पढ़ रहे हैं, उतना चीज जान रहे हैं जो हमारे लिए एग्जाम के लिए जरूरी है, और बीच बीच में जब जहां जरूरत होगा तो वो चीज हम डिस्क्राइब करेंगे। अब यहां ध्यान रखना है कि इतना काम हो गया, और इसलिए इतना ये काम कर रहा है तो हमेशा बीजी है, और बीजी काम कर रहा तरह तरह के चीजों का फॉर्मेशन कर रहा है, तरह तरह के चीजों को केमिकली यूज कर रहा है, और केमिकल का काम सबसे ज्यादा जहां होता है उसको लैब कहते हैं, प्रयोगशाला, और इसलिए इसको शरीर का व्यस्तम प्रयोगशाला कहा जाता है। ये भी पूछा एग्जाम कि शरीर के लिए सबसे व्यस्तम लैबोरेटरी या प्रयोगशाला का काम करता है कौन? तो यही है जो लीवर है। तो इसको क्या कहेंगे? बीजीएस लैबोरेटरी कहेंगे। क्या कहेंगे? बीजीएस लैबोरेटरी ऑफ द बॉडी। तो ये ध्यान रखना, बीजीएस लैबोरेटरी ऑफ द बॉडी कौन होगा? तो लीवर होगा। तो यही फंक्शन की बात, तो यही था आज की कहानी। कंसंट्रेट होकर सुने, पढ़ें, टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करें। कुछ बोर्ड्स में विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, दिखाई नहीं देता है, उसके लिए बहुत खेद है, और बहुत जल्दी हम आपकी सभी शिकायतों को दूर करने का प्रयास करते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको पूरा क्लियर दिखे, कंटेंट्स अच्छा से अच्छा मिले, अच्छे से अच्छे क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई करें, इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई करें, सिर्फ इंटरटेनमेंट ना करें। तो जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।